सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं आपको दोस्त CS ब्रॉलर वेलकम करता हूं अपने ब्रॉल स्टार की वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं बेस्ट आइडियाज जो ब्रॉल स्टार को अपने गेम में इंक्लूड करना चाहिए। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, तो बिना किसी देर के अपना इंट्रो लगा लेते, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे आज की वीडियो में जो आइडियाज बताने वाला हूँ वो मतलब कोई ब्रॉलर या स्किन के ऊपर नहीं रहेगा, वो ऐसा आइडिया रहेगा जो मतलब ब्रॉल स्टार को और मजा आए खेलने में और ब्रॉल स्टार के जो कम्युनिटी उसको और बढ़ाए यहाँ पर। अच्छा, अरे भाई अगर ब्रॉल स्टार को फन बनाना है तो ब्रॉल स्टार वाले से बोलो ना कि लियोन के ऊपर 5-6 गेम मोड बनाते, उससे भाई लाखों में छापेंगे ब्रॉल स्टार वाले, लाखों में, और भाई सबको इतने खुश होंगे ना कि सबको यहाँ भाई 500-500 जम फ्री में देंगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा लियोन, मैं तो चाहता हूँ कि ब्रॉल स्टार वाले लियोन को हटा दे यार, ये लियोन की वजह से भाई मतलब कोई खेल भी नहीं रहा ब्रॉल स्टार, इतना फन खराब हो गया ना, लियोन खाली बेकार के बेकार से जोक मारते जिसमें किसी को हंसी भी नहीं आती। बात तो सही है, तेरे जोक में तो बड़ी हंसी आती लोगों को। इमोशन, रुको जरा, सबर करो। हाँ लियोन तो क्या हो गया, कम से कम तेरे फालतू जोक्स ऐसे तो मेरे जोक्स ही हैं यहाँ पर। तो वैसे बात करता हूँ अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ये भाई लियोन तो मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर भाई लियोन तो थोड़ा सुन बैठा रहेगा क्योंकि उसका अभी रोस्ट मारा है मैंने गंदा वाला। तो वैसे अपने पहले आईडी की बात करें यहाँ पर, तो वैसे आपको पता ही होगा जो अपने वीकली इवेंट्स आते हैं रोबो रंबल जैसी चीजें, तो वैसे आप भी इसको एक्सेप्ट करते होंगे कि भाई बहुत ही बोरिंग सा गेम हो गया, मतलब भाई किसी को मजा भी नहीं खेलने में, और आप उसको इसलिए खेलते होंगे क्योंकि आपको जो 500 टोकन मिलते हैं हर हफ्ते का, तो वही खेलने के लिए आप यूज़ करते होंगे उसको, वरना भाई किसी को मजा नहीं, भाई मुझे खुद मजा नहीं आता उसको खेलने में, तो आपको कहाँ मजा आ जाएगा उसको। तो मेरे हिसाब से यहाँ ब्रॉल स्टार कुछ एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि जो ये रोबो रंबल बिग गेम्स और भाई और भी हम गेम्स मोड आते हैं यहाँ पर, तो भाई ये बहुत ही बोरिंग हो चुकी है और मतलब भाई किसको मजा भी नहीं आता खेलने में, खाली 500 पॉइंट के लिए भाई खेलते सब लोग। और मेरे पे इसके लिए बेस्ट आइडिया रहेगा कि गाइस आपको पता ही होगा जैसे कि वो बहुत पहले वो आए थे इसमें टेस्ट करने के लिए गेम मोड आए थे, जैसे कि एग्जांपल में बास्केटबॉल आया था, वॉलीबॉल आया था, या फिर वो होल्ड द ट्रॉफी करके भी आया था, और इसके बाद एक वो भी थीफ वाला भी कोई गेम मोड आया था जो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, साथ अगर इन सबको भी इन लोगों ने इसमें जुड़ा दिया तो भाई क्या दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। भाई यहाँ पर ऑलरेडी सबकी डिमांड है कि जो बास्केटबॉल वाला है वो वापस आए, और भाई मेरा पर्सनल फेवरेट भी बास्केटबॉल वाला है इनमें से, क्योंकि भाई मतलब जो बास्केटबॉल आपको फैक्ट पता होगा शायद तक कि जो बास्केटबॉल है वो भाई फैन मेड थ्योरी थी, और भाई इनने फैन मेड से सीधे इनने ब्रॉल स्टार वाले इसको इंक्लूड कर दिया। हाँ भाई वो भी क्या टाइम था जब भाई इस बास्केटबॉल वाले मुझे बॉल मिलती थी और भाई इनविजिबिलिटी करके भाई पूरी स्पीड से जाता था उनके वहाँ बास्केट करने के लिए, और भाई मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाता था। वैसे अगर अपने अगले आइडिया की बात करें तो भाई ये आइडिया मुझे बहुत ही ओपी लगता है कि भाई ये आइडिया मतलब भाई क्या ही बोलूं, मतलब अगर ये आ गया तो भाई मजे आ जाएंगे यहाँ पर, भाई बहुत ही फन हो जाएगा ब्रॉल स्टार को खेलना यहाँ पर। तो भाई आइडिया यहाँ पर ये आता है कि भाई जितने आप देखोगे कि भाई हम पे बहुत सारे स्किन आ गए, और ब्रॉल स्टार मतलब हर टाइम जब भी अपडेट आता है तो उसमें एक ना एक स्किन निकालते रहती हैं आप, तो भाई इससे मुझे पक्का पता है कि ब्रॉल स्टार को बहुत मुश्किल होती होगी कि भाई उनको ये स्किन निकालनी पड़ेगी, नहीं नहीं भाई उनको एक स्किन में पहले फोकस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको दूसरी स्किन बनानी पड़ेगी। तो भाई इनके लिए टाइम सेव करने के लिए भाई और जो बहुत फन करने के लिए यहाँ पर एक आइडिया आता है कि भाई कि क्या पता है जब ब्रॉल स्टार होगा वो यहाँ पर ये स्किन्स के बदले आउटफिट निकालना शुरू करते हैं, फिर तो भाई बहुत ही ओपी हो जाएगा गेम। और भाई आउटफिट हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें ब्रॉल बॉक्स से मिलेगा, कि भाई अगर आपको पता होगा कि ब्रॉल बॉक्स भी ज्यादा ऐसे मतलब सिंपल ही रह चुका है कि भाई आपको क्या मिलेगा, एक वो टोकन डबलर मिलेंगे या फिर आपको कॉइन मिलेगा, और भाई उसमें लकी हुए तो आपको ब्रॉल मिलेगा, बस यही सब होता है यहाँ पर। अरे भाई थोड़ा समझा यार, और थोड़ा समझा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा भाई जो तू कह रहा है, पर इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ लियोन रुक जा जरा, बता रहा हूँ मैं। तो वैसे अगर आप भी लियोन की तरह थोड़ा कंफ्यूज हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आपको पता ही होगा कि भाई बहुत सारे गेमों में ऐसा होता है कि आपको भाई आउटफिट मिलते हैं, जैसे एग्जांपल में चप्पल जूते या फिर उस तरह ग्लव मिलते हैं या फिर भाई कोई और जैकेट मिल जाती है, तो भाई मैं भी चाहता हूँ कि ब्रॉल स्टार में ऐसा कुछ हो कि हमें भाई ब्रॉल बॉक्स से हमें कुछ आउटफिट मिलना शुरू हो जाए यहाँ पर। तो भाई आप जब भी अपने ब्रॉलर के इन्फो में जाओगे तो वहाँ पर भाई अपने स्किन्स में आप लोग मतलब उनको एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हो उन कपड़ों से, जैसे कि जूते चप्पल को मिलाकर आप एक नया आउटफिट बना दोगे, उसके लिए मतलब एक टाइप से स्किन बन जाएगा वो। तो फिर भाई इन आउटफिट से आप लोग भाई मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाते हो, मतलब भाई आप कितने सारे स्किन्स बना सकते हो इससे, और भाई बहुत फन भी रहेगा। और भाई इसमें एक और ट्विस्ट आएगा कि भाई जितने भी आपको आउटफिट मिलेंगे उन सबको भी रेयरिटी मिलेगी, जैसे कि कोई आपको कॉमन मिलेगा या फिर आपको रेयर मिलेगा या फिर सुपर रेयर मिलेगा या फिर आपको लेजेंडरी मिल जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे आउटफिट के ऊपर भी भाई यहाँ पर रेयरिटी रखेंगे। तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि भाई एक तो यहाँ पर ब्रॉल स्टार को फायदा मिलेगा, उन्हें टाइम मिल जाएगा स्किन बनाने के लिए और उनको थोड़ा टाइम कम लगेगा यहाँ पर आउटफिट बनाने के लिए, और फिर दूसरा फायदा यहाँ पर ये होने वाला कि भाई आपको भाई मजा आएगा यहाँ पर ब्रॉल बॉक्स खोलने में, ब्रॉल बॉक्स खोलना कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है यहाँ पर। और भाई तीसरा फायदा यहाँ पर ये होने वाला कि आपके पास भाई स्किन्स की कमी नहीं रहेगी, भाई आप नए नए कॉम्बिनेशन बनाते रहोगे इन आउटफिट से। अरे भाई साहब भाई क्या ही आइडिया लाए लौंडे तू, भाई मजा आ गया आइडिया सुन के। और रुक जा मैं अभी ब्रॉल स्टार के पास जाके ना अभी उनसे बोलता हूँ कि भाई ये आइडिया मुझे पक्का चाहिए, और ये आइडिया भाई जो अपना अपडेट आने वाला कल उसी में चाहिए भाई मुझे। हाँ लियोन जैसे तेरा ही वेट कर रहे हैं वहाँ पर सुनने के लिए कि कब लियोन आएगा, कब हमें आइडिया बताएगा।
भाई अपने अपने आखिरी आइडिया की बात करें तो भाई यहाँ पर जो अपना कल अपडेट आने वाला है उसमें भाई अगर इन्हें 5v vs 5 मोड दे दिया तो भाई मजा आ जाएगा यहाँ पर, कि भाई 5v5 मोड भाई बहुत लोगों को चाहिए, मतलब भाई बहुत टाइम से बात चल रही है कि भाई 5v5 मोड लाओ करके। और भाई यहाँ पर भाई जो कम्युनिटी है यहाँ पर फैन वगैरह तो भाई वो भी जाते हैं कि यहाँ पर भाई मतलब 5v5 मोड आना चाहिए। और भाई मैं भी एक तरह से जाता हूँ कि भाई 5v5 मोड आए यहाँ पर, क्योंकि भाई फन बनेगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खेलने में मजा भी आएगा वहाँ पर। अगर यहाँ पर सोचे कि भाई 5v5 मोड कैसा आएगा तो फिर मुझे लग रहा है कि या तो ये सोलो शोडाउन या फिर कोई डुओ शोडाउन टाइप का होगा, जहाँ पर हमें बहुत बड़ा मैप मिलेगा, जहाँ पर भाई हमें टीम बनेंगे यहाँ पर 5-5 की, भाई हमको एक दूसरे को मारना पड़ेगा यहाँ पर, और जिसके हिसाब से पॉइंट होंगे यहाँ पर वो जीतेगा। या फिर अगर 5v5 मोड नहीं मिलेगा तो फिर मुझे ये चाहता हूँ कि भाई इन लोगों ने पहले एक फोटो डाली थी ट्विटर में कि भाई ये कार्ट वाली जो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है दिखने में, और अगर भाई ये वाला मोड आ गया तो भाई बिल्कुल भाई तूफान आ जाएगा भाई पूरे गेम में, और भाई बहुत लोग डाउनलोड करेंगे खेलने के लिए कि भाई बहुत ही फन लग रहा है दिखने में भाई ये गेम। और यहाँ पर भाई रेस कर सकते हैं एक टाइप से, और यहाँ पर भाई ऐसा कर देगा रेस के साथ यहाँ पर हम किसी को मतलब फायर कर सके और उनको भाई थोड़ा स्टॉप कर सके 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, तो भाई इसमें तो और मजा आएगा। या फिर अगर आपने उनको गन से मार दिया तो भाई वो वापस रीस्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो भाई ये सब आइडिया मतलब अगर आ गया तो भाई बिल्कुल मतलब तूफान मिल जाएगा ब्रॉल स्टार में, और भाई बहुत लोग खेलना शुरू कर देंगे यहाँ पर ब्रॉल स्टार। तो भाई आज के बस वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वो वीडियो कैसा लगा है, और आप कमेंट में लिख भी सकते हो किस टॉपिक पे वीडियो जिसके बारे में पूरी कुछ करूंगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अरे भाई कुछ टाइम बाद ना इसके सारे के सारे जेम्स उड़ाने वाला मैं कसम से, और भाई इसको बता रहा हूं मैं बिल्कुल भी, मैं उड़ाने वाला हूं भाई, पक्का उड़ाऊंगा मैं, देखना।